दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हंस योग इन डिटेल। हंस योग गुरु यानी कि बृहस्पति जुपिटर के द्वारा बनाया जाता है आपकी कुंडली के अंदर, और हंस योग बहुत पॉजिटिव योग बताया गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। बट इसी हंस योग के बारे में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन भी है। देखिए, अगर आपको एस्ट्रोलॉजर ये बोलते हैं कि आपके कुंडली में हंस योग बन रहा है एंड इवन देन यू डोंट हैव पॉजिटिव रिजल्ट्स इन योर लाइफ, दैट मींस हंस योग पूरी तरह आपको रिजल्ट्स नहीं दे रहा। नाउ हंस योग आप जान के हैरान हो जाएंगे, मोर देन 9% ऑफ द पॉपुलेशन हैज हंस योग एंड मोर देन 9% ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट वेरी एक्सट्रीम रिच, जो हंस योग में बताया जाता है कि आप बनोगे या एक्सट्रीम पॉपुलैरिटी आपको मिलेगी या एक्सट्रीम सक्सेस मिलेगा आपको लाइफ में, ये हंस योग के बारे में बताया जाता है। बट हम ये देखते हैं कि 9% पॉपुलेशन के पास तो ये बिल्कुल नहीं है, लेस देन 1.5% पॉपुलेशन के पास है पूरी वर्ल्ड में। सो हंस योग की हम इस डिटेल्ड वीडियो में, थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि बाय डेफिनेशन, बाय बुक डेफिनेशन हंस योग होता क्या है। सेकेंड चीज कि हंस योग कब कब नहीं बनता, हंस योग की पोजिशन होने के बावजूद कब कब 90% ऑफ द टाइम्स वो कौन से टाइम होगा जब आपकी कुंडली में हंस योग बन ही नहीं रहा, आपको वैसे ही लग रहा है। और थर्ड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वो है हंस योग को आप डिटेल में कैसे पहचान सकते हैं। डिटेल के लिए देखिए तीन चीजें देखनी पड़ती है, एक तो किस घर में हंस योग बन रहा है, दूसरा किस राशि में हंस योग बन रहा है, तीसरा किस नक्षत्र में हंस योग बन रहा है, और साथ के साथ उस नक्षत्र का पदा कौन सा है। हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे नक्षत्रा से लेके पदा तक, तो थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी बट इस वीडियो से आपको 100% क्लैरिटी हो जाएगी हंस योग के बारे में कि अगर आपकी कुंडली में बन भी रहा और फिर भी आप गरीब हैं, फिर भी आप पॉपुलर नहीं है, फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द बुकिश डेफिनेशन ऑफ हंस योग। देखिए सबसे पहले बुकिश डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको बेसिक क्लियर हो, उसके बाद में डिटेल में आपको बताऊंगा फंक्शनल बेनिफिक, फंक्शनल मैलिफिक कैसे देखते हैं जुपिटर को और सब कुछ कैसे पहचानते हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द बुकिश डेफिनेशन ऑफ हंस योग। सो हंस योग गुरु के द्वारा बनाया जाता है आपकी कुंडली के अंदर, गुरु यानी कि बृहस्पति जुपिटर। तो जुपिटर अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ या टेंथ, इन चारों घरों में बैठे हो, जिनको हम केंद्रास बोलते हैं, इन घरों में बैठे हो गुरु कहीं भी, बट या तो उच्च के बैठे हो यानी कि कैंसर में बैठे हैं एग्जॉल्टेड होके, राइट, या फिर अपनी राशियों में बैठे हो यानी कि 9 या 12 नंबर राशि में बैठे, सेजिटेरियस में या फिर पाइसिस में। सो बुकिश डेफिनेशन ऑफ हंस योग सेज जुपिटर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन योर केंद्रास 1, 4, 7 or 10 इन एग्जॉल्टेड पोजिशन, एग्जॉल्टेड पोजिशन मीन्स इन कैंसर और इन सेजिटेरियस और इन पाइसिस, दैट मीन्स उच्च का होके या अपनी राशियों में बैठा हो 1, 4, 7 and 10 में, तो हंस योग कहलाता है। हंस योग बहुत पॉपुलर योग है, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं जिसकी कुंडली में बन रहा होता है। बट जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हंस योग इज मेड इन 1 out of every 12 कुंडलीज, 1 out of every 12 कुंडलीज विल हैव दिस हंस योग। एंड हम ये देखते हैं कि जनरली ऐसा कभी भी नहीं होता कि इतने सारे लोग सक्सेसफुल हों। सो नाउ दैट यू नो कि क्या बुकिश डेफिनेशन है हंस योग की, लेट्स डिस्कस कब कब ये हंस योग आपकी कुंडली में नहीं माना जाएगा। सो हंस योग आपको बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे लेके जाता है, सक्सेस दिलवाता है लाइफ में, वेल्थ बहुत ज्यादा दिलवाता है और पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा दिलवाता है। अगर आपकी कुंडली में हंस योग बन रहा है और फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो ये एक कंडीशन आप सबसे पहले चेक करिए, दैट गुरु जुपिटर शुड बी द फंक्शनल बेनिफिक इन योर कुंडली एंड नॉट मैलिफिक। जुपिटर जो गुरु हैं वो बेनिफिक होने चाहिए और मैलिफिक नहीं होने चाहिए। अब हम थोड़ा सा ये कंसेप्ट समझेंगे कि बेनिफिक और मैलिफिक कब होते हैं ग्रह, स्पेशली गुरु। देखिए गुरु जुपिटर बेनिफिक तब होंगे जब इसका जो मूल त्रिकोण साइन है, मूल त्रिकोण साइन ऑफ गुरु और जुपिटर इज सेजिटेरियस, यानी कि 9 नंबर साइन में इसका मूल त्रिकोण साइन बोला जाता है। व्हेनेवर अ प्लैनेट has its मूल त्रिकोण साइन placed in the first, fifth or ninth, that means कि त्रिकोण में अगर मूल त्रिकोण साइन पड़ रहा होगा किसी प्लैनेट का, तो वो आपके चार्ट के लिए, आपके पर्टिकुलर चार्ट के लिए नेचुरल बेनिफिक हो जाएगा। चाहे वो नॉर्मली प्लैनेट
मैलिफिक क्यों ना हो, यानी कि मंगल या शनि या केतु राहु कुछ भी हो, वो चाहे नॉर्मली मैलिफिक माने जाते हैं बट आपकी कुंडली में वो बेनिफिक बन जाएंगे अगर आपकी कुंडली के अंदर यहाँ पे उनका मूल त्रिकोण साइन पड़ रहा हो। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जुपिटर ओनली, क्योंकि जुपिटर की डिस्कशन चल रही है। गुरु का मूल त्रिकोण साइन सैजिटेरियस माना जाता है, यानी कि 9 नंबर। सो 9 नंबर इज द मूल त्रिकोण साइन ऑफ गुरु। नाउ इफ दिस 9 नंबर इज फॉलिंग इन योर फर्स्ट हाउस, इन योर फिफ्थ हाउस और इन योर 9th हाउस इन कुंडली, दिस मीन्स फॉर योर पर्टिकुलर कुंडली, ओनली फॉर योर पर्टिकुलर कुंडली, नाउ गुरु बिकम्स द नेचुरल बेनिफिक, राइट? नाउ लेट्स ऑल्सो डिस्कस द नेचुरल मेलिफिक। सो जैसे हमने डिस्कस किया, गुरु की जो मूल त्रिकोण साइन है दैट इज 9 नंबर विच इज सेजिटेरियस। सो अगर गुरु का मूल त्रिकोण साइन सेजिटेरियस आपकी कुंडली के अंदर 6, 8 या 12 में पड़ रहा होगा, दैट मेक्स गुरु अ नेचुरल मेलिफिक इन योर चार्ट। सो लेट्स सी, अगर 6 में 8 में या 12 में 9 नंबर राशि पड़ रही है तो ये आपकी कुंडली में बृहस्पति को, गुरु को नेचुरली मेलिफिक बना देगा। तो अगर हंस योग आपकी कुंडली के अंदर त्रिकोण में बन रहा है, फॉर एग्जांपल गुरु बैठे हैं और गुरु नेचुरल मेलिफिक है आपके चार्ट में, तो हंस योग का कोई असर ही नहीं होगा। हो सकता है हंस योग आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ही दे। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट कंडीशन जानने के लिए हंस योग के लिए कि गुरु जो है नेचुरल मेलिफिक नहीं होने चाहिए। इन तीनों जगह पे गुरु की मूल त्रिकोण साइन सेजिटेरियस नहीं पढ़ना होना चाहिए। अगर पढ़ रहा है तो हंस योग आपकी कुंडली में वैलिड ही नहीं है, राइट? तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट कंडीशन। अब हमने शुरू में ये डिस्कस किया दैट ऑलमोस्ट 9.09% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द एंटायर अर्थ हैज हंस योग इन इस कुंडली। तो हंस योग का असर सबको तो नहीं मिल रहा ना। हंस योग का असर क्या होता है, देखिए, अनलिमिटेड सक्सेस, अनलिमिटेड मनी, बहुत ज्यादा आपको काम के अंदर, कैरियर के अंदर सक्सेस मिल जाए, बहुत ज्यादा आपको फेम एंड नेम मिल जाए लाइफ में, ऐसा सबको तो नहीं मिल रहा। 9% पॉपुलेशन को तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा। सो टू नो द डिटेल्स ऑफ हंस योग हम क्या करते हैं, दो चीजें चेक करते हैं। वन इज द नक्षत्र इन विच इट इज मेड। नक्षत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड, नक्षत्र के साथ साथ इफ यू वॉन्ट टू गो इन मोर डिटेल, चेक द पदा ऑफ द नक्षत्र। देखिए इफ यू डू नॉट नो अबाउट नक्षत्र एंड पदास, मैं आपको बिल्कुल क्विक 1 मिनट में समझा देता हूं। हर राशि, सपोज नाउ 9 नंबर इस राशि फॉलिंग हेयर, सो हर राशि में ऑलमोस्ट 3.5 नक्षत्र फॉल करते हैं, यानी कि 3 लगा लीजिए, अब 3 नक्षत्र फॉल कर रहे हैं हर राशि के अंदर, और हर नक्षत्र के अंदर भी 4 पदास होते हैं। दैट मीन्स हर राशि भी ऑलमोस्ट 12 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। 4 पदा हो गए हर नक्षत्र में, 3 नक्षत्र हो गए मोटा मोटा, तो 12 पार्ट्स में हर राशि भी डिवाइडेड है। तो इसीलिए हर राशि में, जैसे सपोज करिए आपकी कुंडली में 9 नंबर राशि में यहां गुरु बैठा हो, हंस योग तो बन रहा है बट हंस योग अब 12 तरह से बन सकता है इसी राशि के अंदर, तो इसीलिए बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए अगर आपने बिल्कुल डिटेल में जाना है, नक्षत्र के अंदर पदा भी चेक करना चाहिए, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद जस्ट एन एग्जांपल। तो सपोज करिए कि आपकी कुंडली के अंदर यही पे नाउ 10th हाउस में, लेट्स सी कि सपोज 9 नंबर राशि पड़ रही है सेजिटेरियस एंड जुपिटर इज सिटिंग राइट हियर, तो यहां पे हंस योग बनता है। नाउ हंस योग आपको क्या देता है, 10th हाउस में सेजिटेरियस में बैठ के हंस योग अगर आपकी कुंडली में बन रहा है, पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिकली आपको बहुत ज्यादा सक्सेस दे सकता है, गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर आपको बहुत ऊंचे पद पे पोजीशन दिलवा सकता है, और इवन क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्समैन यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़िया बनते हैं। 10th हाउस में ही एस्ट्रोलॉजर्स भी बहुत ज्यादा अच्छे बनवाता है अगर गुरु सेजिटेरियस में बैठा हो। बट अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। देखिए सेजिटेरियस राशि में 3 नक्षत्र फॉल होते हैं मोटे मोटे, मूल नक्षत्र जो केतु रूल करता है, देन पूर्व शदा नक्षत्र जो वीनस यानी कि शुक्र रूल करता है, और उत्तर शदा नक्षत्र जो सूर्य रूल करता है। दैट मीन्स सेजिटेरियस राशि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मूला, पूर्व शदा
और उत्तरसदा, राइट। तो अब एक एक करके लेट्स डिस्कस कि इन तीनों में, अभी हमने मोटा मोटा तो देख लिया कि अगर 9 नंबर में राशि में गुरु 10 में घर में बैठा हो तो क्या रिजल्ट्स देगा, बट अगर हम ये देखें कि कौन से नक्षत्र में बैठा है, तो आइए जानते हैं कि हमारे रिजल्ट्स में क्या डिफरेंसेस आएंगे। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द मूल नक्षत्र। सो बिफोर एनालाइजिंग मूल नक्षत्र, थोड़ा सा आप मूल नक्षत्र के बेसिक्स के बारे में भी समझिए। देखिए, मूल नक्षत्र केतु के द्वारा रूल्ड होता है, एंड दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट पोजिशन फॉर एनी ग्रह टू बी इन। चाहे यहाँ पे कोई भी ग्रह हो, उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पोजिशन होती है मूल नक्षत्र। इट इज लाइक अ टू साइडेड स्वॉर्ड, कि आपको भी लग सकता है, अगर आप वॉर कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी लग सकता है। मूल नक्षत्र इज वेरी वेरी डिफिकल्ट नक्षत्र। यहाँ पे मंगल जैसा ग्रह अगर आ जाए ना मूल नक्षत्र में, किसी की भी कुंडली में, तो बंदे को बहुत हद तक एग्रेसिव बना देता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव बना देता है, लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा होती है ऐसे व्यक्ति की। तो मूल नक्षत्र में जब गुरु बैठे होंगे आपके दसवें घर में, हमने डिस्कस किया दैट इन सेजिटेरियस नाउ 9 नंबर इज फॉलोइंग हियर, गुरु इज सिटिंग एंड नाउ मूल नक्षत्र में है गुरु, राइट। तो यहां पे आपको ये आर्मी के अंदर अनलिमिटेड सक्सेस दे सकता है। पुलिस ऑफिसर अगर आप हैं तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिल सकता है। सिविल सर्वेंट से अगर आप आईएएस हैं, बहुत ज्यादा सक्सेस मिल सकता है। यानी कि ऐसी चीजें जहां पे अथॉरिटी भी है और एग्रेशन भी चाहिए, यहां पे मूल नक्षत्र बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। परंतु यही मूल नक्षत्र अगर किसी लेट्स से रिलीजियस लीडर की कुंडली में बन जाए, दैट मीन्स कोई रिलीजियस लीडर है जिसका मूल नक्षत्र में गुरु दसवें घर में बैठा है सेजिटेरियस के अंदर, दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पोजिशन। देखिए, ये रिलीजियस लीडर, आप ये लगा लीजिए कि अपने सारे फॉलोअर्स को मरवा भी सकते हैं। ही कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अनलिमिटेड डेथ्स ऑल्सो, बिकॉज ये रिलीजियस लीडर एग्रेसिव वाले रिलीजियस लीडर होंगे, हु बिलीव्स इन फाइटिंग फॉर हिज रिलीजन। तो ये अपने सारे फॉलोअर्स को ऐसी मोटिवेशन दे सकते हैं कि आपको रिलीजन के लिए लड़ना चाहिए, लड़ मर के आपको रिलीजन के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। यानी कि मूल नक्षत्र में गुरु 9 नंबर राशि में इज नॉट सो गुड। नो डाउट आर्मी, पुलिस ऑफिसर्स, ऐसी चीजों में, ऐसे प्रोफेशन में दिस इज गुड, बट ओवरऑल वही हंस योग का जो असर है वो फुली आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब हम थोड़ा सा इसमें और डिटेल में चलते हैं। देखिए, अब हमने ये डिस्कस किया कि मूल नक्षत्र में गुरु कैसा रिजल्ट्स देगा। नाउ लेट्स एनालाइज कि मूल नक्षत्र में हर पदा में, पदा 1, पदा 2, पदा 3, पदा 4, यानी कि एरीज नवांशा, फिर टॉरस नवांशा, फिर जेमिनी नवांशा, फिर कैंसर नवांशा, चारों नवांशा में कैसे अलग अलग रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको। सो मूल नक्षत्र में अगर गुरु बैठे हैं दसवें घर में आपके, तो हंस योग तो बन रहा है, बट हंस योग में आपको डिटेल में जानने के लिए ये जानना पड़ेगा कि कौन से पदा में गुरु बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पदा में मूल नक्षत्र के गुरु बैठे हैं, यानी कि एरीस नवांशा में बैठे हैं। नाउ एरीस नवांशा में अगेन दिस इज एन एग्रेसिव पोजिशन फॉर गुरु। तो यहां पे आपको पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर अगर बंदा है तो सक्सेस तो मिलेगा, बट अगर दूसरी पोजिशन, यानी कि ये स्पिरिचुअल गुरु बन गया जैसे हमने पहले डिस्कस किया, देन दिस इज अ नॉट सो पॉजिटिव पोजिशन, क्योंकि यहाँ पे गुरु आपको ये मोटिवेट कर सकते हैं कि आप लड़ाइयाँ करें रिलीजन के बेसिस पे। सो इट इज नॉट कंसिडर्ड सो गुड प्लेसमेंट, जैसे कि हंस योग में बताते होते हैं। नाउ सेकेंड पदा टॉरस नवांशा आ गया, तो गुरु अगर हंस योग बना रहे हैं, दसवें घर में बैठे हैं सेजिटेरियस में मूल नक्षत्र में, और सेकेंड पदा आ गया यानी कि टॉरस नवांशा आ गया, यहाँ पे थोड़ी सी मटीरियलिज्म भी आ गया बंदे में, तो यहाँ पे दिस पोजिशन कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। यहाँ पे बहुत हद तक एक्टिंग में, एक्टिंग करियर में, यू नो, बहुत ज्यादा सक्सेस दे सकता है आपको गुरु। और किसी भी तरह की ऐसी पोजीशन जहां पे आपको मटेरियल बेनिफिट्स भी हो रहे हो, यहां पे गुरु आपको बहुत सक्सेस देगा। फॉर एग्जांपल, आप सिंगर हो, अगर एक्टर हो, या फिर पॉलिटिशियन भी हो, या स्पोर्ट्समैन हो, और हंस योग आपके दसवें घर में बन रहा है, गुरु बना रहा है इन मूल नक्षत्र, इन सेकेंड पदा टॉरस नवांशा में, इट इज अ वेरी बेनिफिशियल पोजिशन अगेन, क्योंकि यहाँ पे मटीरियलिज्म आ गया, तो अपना फायदा आप ज्यादा देखेंगे। एडीस नवांशा की तरह आप लड़ाइयों में नहीं पड़ेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पदा, जहाँ पे जेमिनी नवांशा आ गया। तो गुरु अगर दसवें घर में सेजिटेरियस में मूल नक्षत्र में बैठे हैं, थर्ड पदा में आ गए गुरु, यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी आ गई, मर्क्यूरी की फास्ट एनर्जी आ गई, दिमाग लगाने वाली एनर्जी आ गई मर्क्यूरी की, तो साइंटिस्ट बहुत बढ़िया बनेंगे।
साइंटिस्ट हो सकते हैं या फिर टीवी मीडिया में जो टीवी एंकर्स होते हैं वो अगर ये पोजीशन के साथ हैं तो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड सक्सेस मिल सकता है हंस योग की वजह से, और साथ के साथ इंजीनियरिंग में या फिर राइटिंग फील्ड्स में भी बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पदा। अब अगर सेजिटेरियस में गुरु बैठे हैं 10th नंबर हाउस में आपके हंस योग बन रहा है और मूल नक्षत्र में फोर्थ पदा में बैठे हैं यानी कि कैंसर नवांश आ गया, यहाँ पे देखिए चंद्र की एनर्जी आ गई, थोड़ी सी आप कह सकते हैं सॉफ्ट एनर्जी आपकी आ गई आपके में, थोड़ा सा इमोशनल टच आ गया, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मेडिकल इंडस्ट्री में यू कैन बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। इवन एस्ट्रोलॉजी में या फिर जो तांत्रिक होते हैं ना उनकी भी मूल नक्षत्र में फोर्थ पदा में गुरु बैठा होता है 10वें घर में, बहुत ज़्यादा अच्छे तांत्रिक होंगे, हाई लेवल के एस्ट्रोलॉजर्स होंगे। तो व्हाट वी एनालाइज दिस, थोड़ा सा अगर आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं मैं, देखिए सिर्फ हंस योग बन जाने से इट इज नॉट कन्फर्म्ड कि आपको हंस योग के बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। फर्स्ट थिंग वी एनालाइज इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो इस आपने ये चेक करना है कि जुपिटर गुरु मेलिफिक है या बेनिफिक है आपके चार्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि फंक्शनली वो मेलिफिक है या फंक्शनली बेनिफिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनली बेनिफिक होने चाहिए गुरु अगर हंस योग के आपको बेनिफिट्स मिले लाइफ में। सेकेंड चीज, अगर फंक्शनली बेनिफिक है देन यू हैव टू चेक कि ये गुरु राशि के साथ साथ किस नक्षत्र में बैठे हैं, और हर नक्षत्र में भी क्योंकि चार पदा होते हैं तो चार अलग अलग तरह के आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि मूल नक्षत्र में सेकंड पदा में जो कि आगे टॉरस नवांशा में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा गुरु, हालांकि फर्स्ट नवांशा में जो कि एरीज नवांशा होता है वहां पे गुरु इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा क्योंकि वहां पे अग्रेसिवनेस आ गई, वहां पे आर्मी या फिर पुलिस ऑफिसर्स को तो अच्छा सक्सेस मिलेगा या फिर आईएएस ऑफिसर्स को अच्छा सक्सेस मिलेगा, बट अगर आप वहां पे रिलीजियस लीडर हैं फर्स्ट पदा में तो इट इज नॉट सो पॉजिटिव, यू विल बी अग्रेसिव और आप रिलीजन के लिए लड़ने को एक तरह से तैयार हो जाएंगे विच इज नॉट कंसिडर्ड गुड ऑन बिहाफ ऑफ गुरु जुपिटर। तो आपने ये चेक करा कि नक्षत्र कौन सा है देन पदा कौन सा है, ओनली देन यू कैन एनालाइज कि एग्जैक्टली मुझे क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। देखिए अब अगर हंस योग आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में बन रहा हो यानी कि गुरु यहाँ पे 4, 9 या 12 में बैठे हो तो ये हंस योग आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को एनहांस करेगा यानी कि ओवरऑल पर्सनैलिटी में आपको बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेंगे। ऐसे ही अगर हंस योग आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस में बन रहा है दैट मीन्स गुरु इज सिटिंग हियर इन 4, 9 और 12 नंबर राशि तो आपको रियल एस्टेट में ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है या आपके मदर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, आपके होमली इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसी तरह से अगर हंस योग 7th हाउस में बन रहा हो आपकी कुंडली में दैट मीन्स गुरु इज सिटिंग हियर 4, 9 एंड 12 राशि में बैठे हैं तो ऐसे जातकों को आफ्टर मैरिज ज़्यादा सक्सेस मिलता है या फिर पार्टनरशिप्स के बाद ज़्यादा सक्सेस मिलता है। और फाइनली 10th हाउस प्लेसमेंट जो हंस योग की सबसे बेनिफिशियल प्लेसमेंट मानी जाती है, सो 10th हाउस में अगर गुरु 4, 9 या 12 में बैठे हो तो कैरियर में यानी कि पब्लिक लाइफ में यू गेट मैक्सिमम सक्सेस विच इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ऑस्पिशियस प्लेसमेंट फॉर गुरु। बट सेइंग दिस व्हाट यू हैव टू नो इज कि 1 out of every 12 पीपल हैज दिस योग, सो अगर आपने डिटेल में एनालाइज करना है यू हैव टू एनालाइज द नक्षत्र एंड ऑल्सो इट्स पदा देन यू गेट द एक्यूरेट रिजल्ट्स। तभी आप किसी की वीडियो पे ऐसे जाके कमेंट नहीं करेंगे कि मेरे में तो ये बन रहा है ये फेक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। और एक और चीज मैं आपको देखो क्लियर आउट करना चाहता हूं, व्हेन हंस योग इज बीइंग मेड इन योर कुंडली मेक श्योर यू ऑल्सो चेक द डिग्रीज ऑफ जुपिटर। अगर गुरु 10 डिग्री से कम है यानी कि 5 डिग्री या 6 डिग्री आपके चार्ट में इट इज नॉट अ वेरी गुड पोजिशन फॉर गुरु क्योंकि अभी बच्चे हैं गुरु है ना, बहुत छोटी एज में है तो यहाँ पे इतने अच्छे रिजल्ट दे ही नहीं सकते। सेकेंडली अगर गुरु मोर देन 22 डिग्री है 23 डिग्रीज हो गए 25 डिग्रीज हो गए 27 डिग्रीज हो गए 28 डिग्रीज हो गए तो बहुत ज़्यादा ओल्ड स्टेट में है, अगेन इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ गिविंग यू गुड रिजल्ट्स हियर। गुरु के बेस्ट रिजल्ट्स यानी कि हंस योग के बेस्ट रिजल्ट्स तब मिलेंगे जब गुरु अच्छी डिग्रीज में भी हैं, अच्छी डिग्रीज यानी कि 15 से 20 डिग्रीज के बीच में युवा अवस्था में है गुरु विच इज केपेबल ऑफ गिविंग यू गुड रिजल्ट्स। तो स्ट्रेंथन वाले गुरु हैं जो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। और एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सेप्ट समझिए, हंस योग अगर आपकी कुंडली में बढ़ रहा है ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ टाइम ही आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। जब गुरु की दशा आएगी देखिए दो चीज़ें चेक करनी है आपने, वन इज द दशा
जुपिटर की दशा आनी चाहिए, और सेकंड की गोचर में अभी फिलहाल गुरु कहाँ से निकल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 10th हाउस से निकल रहे होंगे सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दशा पे क्या डिपेंड करता है, देखिए सपोज करिए नाउ हंस योग इज मेड इन योर कुंडली, बट जब आप 2-3 साल के थे, 1 साल के थे, तब आपकी कुंडली में जुपिटर की दशा आ गई, तो उस एज में आप ज़्यादा कुछ अचीव ही नहीं कर सकते। छोटी एज में यू कैन नॉट यू नो गेट द फुल पोटेंशियल ऑफ दिस योग। इसी तरह से अगर आपकी कुंडली में 50 ईयर्स के बाद जुपिटर की दशा आ रही है, यानी कि 60-70 पे आप दशा लेके आ रहे हैं जुपिटर की, इवन देन इट इज नॉट बेनिफिशियल, तब आप क्या क्या कर लेंगे जुपिटर की इस दशा से। सो अगेन 20 ईयर से 50 ईयर्स के बीच में अगर जुपिटर की दशा आ रही है आपकी कुंडली में, लाइफ में, ओनली देन दिस विल गिव द फुल पोटेंशियल। एक चीज मैं ये समझाना चाहता हूँ कि दशा कैसे कैलकुलेट होती है आपकी कुंडली में, आपकी लाइफ के अंदर। देखिए वेन यू आर बॉर्न, जो आपका नक्षत्र है चंद्र का, चंद्र का जो नक्षत्र है, सपोज करिए चंद्र का नक्षत्र आपकी कुंडली में जब आप बॉर्न हुए, मूल नक्षत्र ही था जो हम डिस्कस कर रहे हैं। मूल नक्षत्र किसका का रूलिंग प्लैनेट कौन होता है, केतु। सो नाउ इन योर लाइफ केतु से दशा स्टार्ट होगी सारी। तो जो चंद्र नक्षत्र का रूलिंग प्लैनेट है उससे दशा स्टार्ट होती है आपकी लाइफ के अंदर। तो आप ये भी देख सकते हैं कि हर प्लैनेट कितनी देर की दशा देता है, हर ग्रह स्पेसिफिक ईयर्स के लिए ही दशा देता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, दीज आर द 9 ग्रहस, और ये इनके ईयर्स है कितने ईयर के लिए किसकी कितनी दशा चलती है। फॉर एग्जाम्पल केतु दशा इज फॉर 7 ईयर्स, वीनस इज फॉर 20 ईयर्स, सूर्य इज फॉर 6 ईयर्स, चंद्र इज फॉर 10 ईयर्स, मार्स इज फॉर 7 ईयर्स, राहु इज फॉर 18 ईयर्स, गुरु इज फॉर 16 ईयर्स, सैटर्न इज फॉर 19 ईयर्स एंड मर्करी इज फॉर 17 ईयर्स। तो इसी तरह से दशा स्टार्ट होती है। अब अगर हम हंस योग की बात करें, सपोज करिए आपके मूल नक्षत्र में चंद्र बैठा है, यानी कि केतु से दशा स्टार्ट होनी है, दैट मीन्स जब तक आपका गुरु की दशा आएगी यू विल बी वेरी ओल्ड, सो देयर इज नॉट सो मच यूज ऑफ हंस योग इन योर कुंडली। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल आपका जब आप बॉर्न हुए सो मृगीशला नक्षत्र था मंगल का, सो दैट मीन्स बहुत जल्द आपकी आप गुरु की दशा आ जाएगी व्हेन यू विल बी इन योर यंग एज, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा हंस योग का। सो आई होप कि आपको हंस योग डिटेल में आज समझ आया होगा इस वीडियो पे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, एक कमेंट बहुत ज्यादा बनता है कि आपको क्या समझ आया। अगर आपको समझ आया है कुछ भी इस वीडियो से, आप इसको एक्सप्लेन करें इस वीडियो के कमेंट्स में। आई विल सी कि आपने एक्सप्लेनेशन ठीक दी भी है कि नहीं दी, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपको ये वीडियो मल्टीपल टाइम्स देखनी पड़े टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि डिटेल में हम कोई योग कैसे पहचानते हैं। देखिए सिर्फ ये जान लेना कि मेरी कुंडली में ये योग बन रहा है और मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, मैं बेड पे बैठा हूँ मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, मैं तो घर पे गरीब बैठा हूँ, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि मेरी कुंडली में तो ये योग बन रहा है मैं तो गरीब हूँ, आप गलत बता रहे हो। सो इसमें आपकी ही बेवकूफ़ी है। देखिए अगर आपकी कुंडली में योग बन भी रहा है और तब भी आप उसको यूज नहीं कर पाए ना, दैट मीन्स यू आर द लूजर, दिस इज स्ट्रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड एनालाइज कि वो योग वैलिड भी है कि नहीं। अगर मैलिफिक होगा गुरु तो ऑब्वियसली आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे कुंडली में, चाहे हंस योग बन भी रहा हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं हु आर इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी। जो नए इंटरेस्टेड उनके साथ शेयर करने का बिल्कुल कोई पॉइंट ही नहीं है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर योग, जो मैं डिटेल में इसी तरह एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो और आप रियल एस्ट्रोलॉजी सीख पाएं। धन्यवाद।